हेलो गाइज, मैं फैसल, आप देख रहे हैं ओनली फैसल टेक। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि रियलमी और ओप्पो डिवाइस का जो कॉलर स्क्रीन है, जैसे कॉल आते हैं, रिसीव करते हैं या फिर कॉल करते हैं, जो स्क्रीन होती है उसको आईफोन के या फिर एमआई या फिर सैमसंग अदर फोन के स्क्रीन में कैसे चेंज करें। जैसे कि आपकी कॉल आएगी तो आईफोन वाला सिस्टम आएगा कि आप इधर स्लाइड कीजिए तो आपका उठेगा, आप डबल टैप डबल दो बार पावर बटन दबाएंगे तो फोन कट जाएगा। सो गाइज, ये सारी सेटिंग आज की वीडियो में अच्छे से समझाने वाला हूँ। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के अंदर, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइज, आप सभी सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फोन में आईफोन वाला इंटरफेस देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत कूल लग रहा है। और आप सभी को यहाँ पे दो बार पावर बटन क्लिक करते हैं, जैसे आईफोन में कटता है फोन, तो आप दो बार क्लिक करते हैं तो आईफोन में कॉर्ड कट गई आपके फोन में। ये मेरा रियलमी डिवाइस है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपली आप सभी को मैं दिखाता हूँ अब क्या करना है, सेटिंग को करने के लिए क्या करना है। सिंपली आप सभी को क्या करना है, अपने प्ले स्टोर पर जाना है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। सिंपली इस ऐप की रेटिंग बहुत अच्छी है, यहाँ पे ट्रू फोन सर्च करना है। ट्रू फोन सर्च करने के बाद आप सभी को जो ये वाला ऐप दिखेगा इसको डाउनलोड करना है और इसकी रेटिंग दिखा देता हूँ आप सभी को। यहाँ पे आप सभी यहाँ पे इसकी रेटिंग देख सकते हैं, बहुत शानदार रेटिंग है। अब इस ऐप में सेटिंग कैसे करना है कि आप कोई और सा फ़ोन चाहे आईफोन वाला सेटिंग कैसे करना है, ये बताता हूँ आप सभी को सिंपली। तो सिंपली आप सभी को क्या करना है, जब ऐप इंस्टॉल हो जाता है आप सभी का, तो सिंपली आप सभी को ऐप ऐसा देखने को मिलेगा। आप सभी को क्या करना है, इसे ओपन करना है। जब आप इसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ से परमिशंस मांगेगा। तो आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है। ट्रू फोन पे क्लिक करके सेट एज डिफॉल्ट, उसके बाद यहाँ पे परमिशन देना है आपको, कॉन्टैक्ट को नहीं देना है, ये आप सभी की मर्जी है। यहाँ पे आप सभी को फिर ड्रॉ ओवर ऐप दिखेगा। सो गाइज, इसको भी आप सभी क्या कर सकते हैं, अनेबल कर देना, क्योंकि जब आपकी कॉल आएगी तो यहाँ पे आप सभी को सर्च करना है तो कॉल आएगी तो आपको शो करे, इसके लिए इसको अनेबल कर लेना है। तो सिंपली अनेबल करने के बाद अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे सिंपली नीचे थ्री डॉट्स पे जाना है। थ्री डॉट्स पे आने के बाद आप सभी को यहाँ सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे आने के बाद आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आप सभी को नीचे आने वाले यहाँ पे चले जाना है डायलर। डायलर पे नहीं जाना आप सभी को, यहाँ पे जाना है यहाँ इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इस वाले ऑप्शन के बाद यहाँ पे आप सभी को थीम और ये सब देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आना है तो इनकमिंग कॉल स्क्रीन दिखेगा यहाँ पे, तो आप सभी को इस पर क्लिक करना है और सिंपली यहाँ से आप सभी को यहाँ पे आंसर स्टाइल दिख रहा है। सो सिंपली आप सभी यहाँ क्लिक करते हैं, आप सभी को सभी फ़ोनों के नाम मिल जाएंगे। यहाँ पे गूगल पिक्सल दिख जाएगा, आईफोन दिख जाएगा, हवाई, आसूस, अलग अलग फ़ोन दिख जाएंगे। सो गाइस, ये बार ये आप जो भी सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से आप सभी को कॉल रिसीव करने का ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे ऊपर की साइड। यहाँ से आप अपनी फोटो भी लगा सकते हैं और यहाँ से और भी सारी सेटिंग्स हैं, आप ज़्यादा सेटिंग्स ना छेड़ें, सिंपली ये कर लें। उसके बाद आप सभी को कुछ नहीं करना है और मैं दिखा देता हूँ आप सभी को, सिंपली कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से मैं दूसरे वाले नंबर से कॉल करता हूँ, तो सिंपली मैंने अपने नंबर पर कॉल किया और ये देखिए आप सभी यहाँ पे, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कितना कूल दिख रहा है ये आला सिस्टम। सो गाइज, आप सभी यहाँ से अपने फ़ोन को आंसर कर सकते हैं। सिंपली आप आंसर करेंगे तो आप सभी ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो गाइज, आप सभी को इसको कट करना तो आप दो बार पावर बटन दबाएंगे तो ये कट जाएगा, जो आईफोन का सिस्टम है आप सभी सिंपली देख सकते हैं। तो सिंपली इस वीडियो में इतने ही। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करें।